మట్కి కేమ రుళకే రాగి ఆశ్రమలోకి ఆ రిస్తేదారి మా కట్గీర నాశ్రమలోకి పట్యా రుకా గామ గుండు ఆర్ ఘర్ కుణబకే రోవతే జద్ కూవే కమ తెరతి పాయి రై లాశ్రమలోకి జద్ కూవే కమ తెరతి పాయి లాశ్రమలోకి రామ రామ దోస్తో మా సంజీత ఆస్థరసా మే హాజిర్ హోయా హూ ఏక్ కవితా లేకే దోస్తో కడ్వీ సచ్చాయి హై యా కలర్ రమలోకి నిహర్ రై కయి గామా కే గణఖరే ఆదమీ ఆగి హై और सच्चाई के है भाई कविता सुन के हमने बेरा लायक जाएगा कह कोई कर जाना सिर था रहे हंसता खेलता करता रहे फिर हम लोग कुकर मरा कह कोई कर जाना सिर था रहे आजदा खेलता करता रहे गांव सिवाड़ा जिला ब्याणी का सुन लो जिक्र मैं कर रहा हूँ रमलू की मौत का दर्द अपनी छाती पर धर रहा हूँ खेत आड़े बाड़क पाड़क गल्ला जिंदगी न गाड़े और दिन रात कमांदा खून पसीना एक कराया करता दिन रात कमांदा खून पसीना एक कराया करता सारे घर कुंब का कल्ला पेट भरया करता पर हर कोई फूटे वह गड़ अमान है ना किसे न उस पसान था और माड़ी किस्मत आला रमलू रहे पेशत एक किसान था कदे राम सरकार तो कदे साहूकार नए नए कांड रचया कर दे पूरे साल की मेहनत पाछ है बस खाण के दाने बचया कर दे एक काल तो कर्जा तारूंगा नु छाती फुला के आ रहा था और कई किल्ला मयो बावला रे जीरी ला रहा था दहेज मांगी जो गाड़ी वा अगला न ल्या दूंगा ब्याह की उम्र तो टपली छोरी पर इब का ब्याह दूंगा एक आधा जमींदार का घर में रिश्ता होया था रमलू ने छोरी का ब्याह 3 महीने बाद टोया था और फसल बिगी मंडी में थोड़े दिन अच्छे पकड़ लेंगे इतना सारे किल्ला के दान भी झड़क लेंगे लोगों यो रमलू वो है जिसका पाछे गरीबी पड़ रही थी 3 ब छोरी का रिश्ता तुड़वाया कति बरना में खड़ रही थी और ब्याह टूटने का बस एक के कारण रहा करता जित भी रिश्ता होंगे अगला दहेज की कया करता आथा के मैं आटन पड़ गए पाया के मैं छाले थे और रमलू बावड़ा जिसका घर न खाण के लाले थे जब घर न खोर नहीं तो कितना तूड़ी बे दे और किस्म मांग की छोरी न गाड़ी मोटरसाइकिल दे दे पर डोल पकड़िया देख की फसल न खांस लिया करता इबका रमलू देख की छोरी ना हंस लिया करता फिर सरपा हाथ फेर की कंधा लाडो चिंता ना करिए सरपा हाथ फेर के लाडो ने कंधा के चिंता ना करिए तेरे इस गरीब बाप पर थोड़ा सा विश्वास धरिए तू भी नुकाएगी के बाबू के बीच बेगन का बो दिया छोरी तेरा खातर मैंने बंदड़ा चोखा टो दिया बेटी तेरा सुख खातर उसने सराफत की देड़ी लांगी है छोरा कंपनी में लाग रहा बस एक गाड़ी मांगी है पर तू चिंता ना कर लाडो तेरी खुशी किसने बांटी है तू टेंशन ना लिए अपना जीरी कड़ एंडी है बोया के उस साल राम घना बरस गया और रमलू फिर सुखी धरती न तरस गया एक तो वो टेम जद रमलू टोपा टोपा का मोहताज हो रहा था और आज लोगो गोड गोड पानी में काट की जीरी ढो रहा था सारे रिश्तेदार ने घना चाह था और 15 दिन पाछे छोरी का ब्याह था बाण बैठानी गाड़ी लानी कई काम निपटाने हैं किस किस के नोंदे देने वो कालूती बताने हैं काम तो गणे थे सब दुख में सने थे धान काट काट मुर्गी व कमर मड़का ली अरेब रमलू ने 10 किल्या की जीरी झड़का ली पर जद मंडी में ले गया तो खाटी बनी ठंडे आठ में उसकी आंख तनी रमलू कमी है इसमें नमी है थोड़ा बहुत गाम दिखा लिया इसने सुखा लिया जब पेमेंट फिर नगद ले लिए पर जीरी अब तक पाछे दे लिए अपने सबर न तोड़ गया और रमलू हाथ जोड़ गया कसाब जी 6 दिन पाछे छोरी का ब्याह है कसाब जी 6 दिन पाछे छोरी का ब्याह है गोज में पिसा एक भी ना है इसने पकान खातर दिन रात लेटा हूँ साहब जी मैं तो इस फसल का सार बैठा हूँ जब आज ना बिकी तो छोरी कुआरी की कुआरी रह जाएगी आज ना बिकी तो छोरी कुआरी रह जाएगी उसकी डोली की जगह मेरी अर्थी बह जाएगी पर साहब जी क्या न सुना था वो तो बचड़ के ताने बुना था उड़ा उसकी एक नहीं मानी मन में हुचाटी हो रही थी अरे मंडी के मैं लोगो रमलू की बरान माटी हो रही थी इब सारी रिश्तेदारी घर न आके लेट गई और छोरी बांध बैठगी रमलू का मन में बस एक के बात सतावती हर टेम उसने दये जाली गाड़ी याद आवती गाँव में रमलू का दुख में किसे न निसिए गाँव में रमलू के दुख किसे न निसिए उसकी पिसे किसे न नहीं दिए घर जो बच्चे थे उनका कपड़ा लत्ता आ गया कि मैं खाण पला गया पर अगला न तो गाड़ी चाहिए ना तो छोरी ना कहिए सुनो थाम बताओ रमलू के कर रहा है कि जाके मरा है मैं बताऊं सुनो भी दिन ब्याह आड़ा था सबका चा आड़ा था और जो रमलू ने सोची वाय बन रही थी सब बरातियां की आंख गाड़ी टोण पतन रही थी और थोड़ी देर पाछे तो लोगो हंगामा हो रहा था हर कोई रोलम अपना आपा खो रहा था इब बिन ब्याह रमलू के घर तक बरात उल्टी चाल पड़ी देख के जिसने पाया की धरती आल पड़ी और जो रमलू की छोरी बन्नो बनी बैठी थी
के जो रमलू की छोरी बन्नो बनी बैठी थी, आंसू पोछदी बाजी भी तरला मजा के लेटी थी। रमलू की हिम्मत ना थी कि वो छोरी की बात छोरी तक बात कर ले। भीतर आके उसके सर पर हाथ धर ले। नुन्ना लाडो नू सोच के बाप तेरी वजह तर रोवे है, ये मरण खातर रमलू की छोरी जा रिटो है। बाबू ये तेरी नाड़ कदे नहीं झुकेगी। बाबू इब तेरी नाड़ कदे नहीं झुकाऊंगी, आज मैं यो सारा रोड़ा मुकाऊंगी। रह लोगो कर रह लोगो, ओड़े तो जो हो लिया वो होना था। नुन्ना रमलू भी उगाने पा हो लिया। मन में जो उसका बिराना के फतूर था, उसने सोची कि आज मरना जरूर था। थोड़ा सा पाछा नट गया, जाके कुएं पर डट गया। हिबागलस पाछले सब दुखा न तार गया, और करकी करड़ा कलजू कलजा रहे रमलू डांक मार गया। करकी करड़ा कलजा रमलू डांक मार गया। नुन्ना छोरी भी बाबू का घायल चाल पड़ी, नुन्ना छोरी भी बाबू का घायल चाल पड़ी। लेट नहीं हुई, वह भी फांसी गाल गई थी। नुन्ना छोरी भी बाबू का घायल चाल गई थी, लेट नहीं हुई, वह भी फांसी गाल गई थी। या माटी के मैं रुड़के रह गई आस रमलू की, और रिश्तेदारी मैं कटवा दी रे नास रमलू की। छोरी टंगरी पंखा का घर कुंड के रोमत है, और कुएं का मैं तिरती पाई रही लास रमलू की। कुएं का मैं तिरती पाई लास रमलू की। कुएं का मैं तिरती पाई लास रमलू की।